नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सिंह, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। आज हम आपके लिए 11 साल के एक ऐसी बच्ची की खबर लाए हैं जिसे जान आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस उम्र में बच्चों को खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में आगे होना चाहिए, उस उम्र में केंदुझर जिला की 11 साल की बच्ची पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ी काटती है। यह बच्ची राशन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक ना होने से तमाम परेशानियों का सामना कर रही है। 11 साल की बच्ची सीमा मुंडा सदर ब्लॉक महादोई पारा पंचायत सलरा पेट गांव की है। जन्म के बाद ही माँ छोड़ के चली गई। कुछ साल बाद पिता के मरने के बाद बच्ची अनाथ हो गई। पहले अब बच्ची दादा के पास रहती थी, दादा को राशन मिलता था। अब दादा के मौत के बाद वह राशन मिलना भी बंद हो गया, जिसके बाद यह बच्ची घर में अकेले रह गई। आधार कार्ड और राशन कार्ड के ना होने की वजह से बच्ची को 5 किलो राशन मिलता था, वह भी अब बंद हो गया। पेट पालने के लिए बच्ची जंगल जाकर लकड़ी काटती है और 30 से 40 रुपए प्रतिदिन कमाती है, जिससे उसका घर चलता है। जिस दिन बारिश होती है या तबीयत खराब होता है तो वह बच्ची भूखी ही रहती है। कभी कभी बच्ची को तो कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता है और उस दिन बच्ची गीला कपड़ा पेट पर रखकर सो जाती है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी की तरफ से मिले अनाज से वह खुद का गुजारा कर रही है। बच्ची का राशन कार्ड और आधार कार्ड ना होने की वजह से उसे राशन भी नहीं मिल पा रहा है। गांव के सरपंच का कहना है कि हम नियमों के अनुसार काम करते हैं, जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उन्हें राशन नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्ची को हम अपनी तरफ से कुछ चावल दे दिया करेंगे, फिर भी बच्ची को आधार कार्ड बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस बच्ची को लेके आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।